कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डबल इंजन को दिया है तगड़ा वाला झटका। जी हाँ, कई वरिष्ठ पत्रकारों पर डबल इंजन ने मुकदमा दर्ज कराया था। भागते फिरते पत्रकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी के नेता लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसे सुनकर यही कहावत याद आती है। सोनिया गांधी को लेकर कुछ ऐसी ही बात सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने बीजेपी को तगड़ा वाला झटका दिया है और इसके साथ ही जो बातें कही हैं उन्हें आप सभी को गौर से सुननी चाहिए। उन्होंने असली तस्वीर सामने रख दी है भाजपा की। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव की बागडोर प्रियंका गांधी के हाथों में सौंपने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही कुछ अन्य बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तुम्हारे सहायक बनिए। इसकी बार कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये राम राज्य का एयर कंडीशन एम्बुलेंस है। यूपी कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, न एम्बुलेंस, न स्ट्रेचर, न कोई सामान्य सी भी सुविधा। ये झलक है जौनपुर के मछली शहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां एक मरीज का ठेले पर ही इलाज किया जा रहा है। ये झलक आज के स्वास्थ्य व्यवस्था का सच है, जो साफ साफ बता रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मंत्री को केवल अपनी झोली भरने की चिंता है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। अच्छा, सुनने में आया है बाइडन चाचा बहुत जल्द भारत पहुंचने वाले हैं, या हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं पहुंच भी गए हों। उन्हें चाहिए कि रामराज वाले उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जाकर इस एयर कंडीशन एम्बुलेंस कम स्ट्रेचर पर चल रहे विश्व गुरु टाइप के इलाज को देखें और जाकर अमेरिका में इस व्यवस्था को लागू करें। वैसे अन्य देशों के जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें भी ब्रह्मांड स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था को अपने देश में लागू जरूर करना चाहिए। भारत आए विदेशी मेहमान भी अपने स्वागत की तैयारियों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार की ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था देखकर चकभका जाएंगे। खबरें इस तरीके की भी चल रही है कि जितना पैसा भारत सरकार ने, यदि मोदी सरकार ने G20 पर खर्च किया है, उतना पैसा अब तक के किसी भी देश ने खर्चा नहीं किया था, उसका आधा के आसपास करते थे या फिर उससे भी कम। एक तरफ गरीब मुक्त दिल्ली, जहां अमीरी की प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है, फुटपाथ पर सोने वालों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को उठा उठाकर फेंक दिया गया है, और दूसरी तरफ तीन पहिया वाला एयर कंडीशन एम्बुलेंस। अब राम राज्य की ही एक और खबर को सुन लीजिए। वैसे खबर तो हमने पहले भी कई बार दिखाया है आपको, मगर देखते जाइए राम राज्य के अधिकारी और राम राज्य वाली सरकार हमें भी कितनी बार मजबूर करती है एक ही खबर को बार बार दिखाने के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान 30 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। धरना स्थल पर कभी रक्षाबंधन मनाते हैं तो कभी जन्माष्टमी मना रहे हैं। पिछले दिनों झमाझम बारिश के बीच प्लास्टिक के तिरपाल के नीचे खुद को ढकते हुए नजर आए थे, इधर उधर भागते हुए नजर आए थे। हमारे सहयोगी जब इन नौजवानों से बात करने पहुंचे तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बावजूद लगभग 10 महीने का समय बीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके अधिकारी अपनी दबंगई से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी काम से बाज नहीं आ रहे हैं। 10 महीने से अधिक हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए, मगर अभी तक इन्हें शिक्षा विभाग से नियुक्ति नहीं दी गई। सोचने वाली बात है, गलत क्वेश्चन दिया अधिकारियों ने, गलत उत्तर दिया अधिकारियों ने और तमाम नौजवानों को परेशान किया अधिकारियों ने। सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर ये नौजवान अपनी नौकरी जीत कर लाए और अभी भी यूपी के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बाकी राम राज्य एकदम टनाटन धकाधक चल रहा है, कहीं कोनो दिक्कत नहीं है। धरना दे रही महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ धरना स्थल पर बैठी हुई है, 30 दिन से लगातार अपना दर्द सुनाने की कोशिश कर रही हैं, मगर सत्ताधीशों ने अपना कान छुट्टी पर भेज रखा है। यही बारिश में भीगते रहे, हमसे कोई मिलने नहीं आया कि आप जिंदा हो कि मर गया, क्या कर रहे हो। कभी कभी तो लगता नहीं है दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाँ हम लोग की सुनी नहीं जा रही है। कोर्ट ने मोहर लगा दी है योग्यता की, फिर भी सरकार हम लोगों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब धरना दे रहे हैं, देखिए मेरी इतनी छोटी सी बच्ची है और ये भी परेशान करती है। 27 दिन थोड़ा समय होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर, अब इससे ज्यादा तो इंटरनेशनल कोर्ट हम जाएंगे नहीं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कुछ पत्रकारों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मणिपुर भेजा था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि जिन जगहों पर संघर्ष चल रहा था उस दौरान राज्य का नेतृत्व पक्षपातपूर्ण था, यानी कि स्टेट की मशीनरी पक्षपात कर रही थी। इसके साथ ही पिछले दिनों हमने आपको यह भी बताया था कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मणिपुर में स्थानीय समाचार रिपोर्ट में भी पक्षपात की गई है। इसके बाद मणिपुर की भाजपा सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग टीम पर मुकदमा कर दिया। इस मामले को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पहले तो पूछा कि मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्यों आप पहले सुनवाई चाहते हैं। इस पर बताया गया कि कभी भी वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी की जा सकती है, और अब खबर आई है कि चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ 11 सितंबर तक कोई भी दंडात्मक कार्यवाही न की जाए। आगे इस मामले की सुनवाई सोमवार को तय की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने
निर्देश दिया है कि सोमवार को जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक इन पत्रकारों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि एक तरफ तो डबल इंजन की सरकारें पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मुखर आवाजों को डराने धमकाने के लिए मुकदमेबाजी का इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तरफ डर के इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र सहारा बनता जा रहा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही आखिरी उम्मीद बनते जा रहे हैं। ये बात कितनी चिंताजनक है कि यदि इस तरह से लगातार पत्रकारों को टारगेट किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा और उस लोकतंत्र की अम्मा का क्या होगा जिसकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री घूम घूम कर पूरी दुनिया में करते हैं। हालांकि वो अंग्रेजी में मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और मैं भोजपुरी में लोकतंत्र की अम्मा कहता हूं, मगर इन सब के बावजूद जब किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से भारत के गिरते लोकतंत्र और पत्रकारिता की स्थिति पर खराब रैंकिंग सामने आ जाती है तो गोदी मीडिया के तमाम लफड़झंडिस, आईटी सेल के तमाम गुर्गे और भाजपा के नेता उस संगठन को गरियाना शुरू कर देते हैं। कहने लगते हैं कि ये जॉर्ज सोरोस नाम का कोई आदमी है, उसी से पैसा लेकर ये सब बदनाम कर रहे हैं, ये सब मोदी विरोधी हैं, ये सब भारत विरोधी हैं। मगर सवाल ये है कि जो कुछ भारत के भीतर हो रहा है, जिस तरीके से सवाल पूछने वालों को और पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, क्या इससे लोकतंत्र की अम्मा मजबूत हो सकती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो शायद ही कोई भारतीय न जानता हो और उनके योगदान के बारे में भी हम सब जानते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल समय समय पर स्वतंत्रता सेनानियों और देश के सूरवीरों के नाम का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कोशिश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते श्री चंद्र कुमार बोस को बीजेपी ने अपने भीतर शामिल करवाया था, मगर अब उन्होंने बीजेपी और उसकी सरकारों की हरकतें देखकर पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी में मैंने योगदान किया था, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो दिशा दिखाया था वो सब मुझे अच्छा लगा, मगर ज्वाइन करने के बाद, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जिस तरीके की राजनीति भाजपा कर रही है वो देखकर मुझे लगता है कि मेरे आदर्श उससे मेल नहीं खाते हैं। मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस जी हैं, मेरे दादाजी, उनके छोटे भाई सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और इन दोनों का आदर्श बीजेपी से मेल नहीं खाता। आगे बोस ने कहा कि वो लोग सभी धर्मों को एक मानकर चलते थे और भारतीयता की बात करते थे। सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन लोगों ने लड़ाई लड़ा था। आगे उन्होंने कहा कि बंगाल स्ट्रेटजी के बारे में मैंने काफी प्रस्ताव बंगाल बीजेपी और केंद्रीय नेतृत्व को भेजा, मगर मेरे प्रपोजल को अच्छा माना जाता है फिर भी कभी लागू नहीं किया जाता। तो जब मेरे आदर्शों को नहीं माना जाता है बीजेपी द्वारा तो फिर मेरा यहां रहने का कोई काम नहीं है। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने लिखा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने भाजपा की नफरत और विभाजन की राजनीति से क्षुब्ध होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि मेरे आदर्श भाजपा से नहीं मेल खाते, इसीलिए ऐसी पार्टी में रहना असंभव हो गया है। धीरे धीरे ही सही सबकी आंखें खुलेंगी, नफरतियों का पर्दाफाश हो रहा है। मगर आगे सुप्रिया सुनेत ने जो लिखा है उसे ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि क्या कहीं पर भी ये ब्रेकिंग न्यूज बना? क्या आपने कहीं कोई डिबेट देखी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने भाजपा को किस तरह से बेपर्दा करते हुए इस्तीफा दे दिया है? कहीं इस बात की कोई चर्चा क्यों नहीं है? वैसे आप सब जानते हैं कि चर्चा क्यों नहीं है, मगर थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखिए या फिर इतिहास को याद कर लीजिए जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, या फिर आज की तारीख में यदि किसी बड़े फ्रीडम फाइटर्स के परिवार के लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो फिर गोदी मीडिया किस तरीके से नंगा नाच करता है। स्टूडियो के एंकर कूद कूद कर कई दिन तक इसी पर कार्यक्रम करते, मगर अभी उनकी हिम्मत नहीं है कि इस पर कुछ बोल दें। सरकार ने हाल ही में संसद का विशेष सत्र बुलवाने का फैसला लिया, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों का कहना है कि किसी से राय मशवरा नहीं किया गया और न ही यह बताया गया कि सत्र बुलवाने का एजेंडा क्या है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि आपने सत्र तो बुला लिया मगर क्यों बुलाया, उसका एजेंडा क्या है, ये सब कुछ आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बताया। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने 9 बिंदुओं पर तमाम मुद्दों को समेटते हुए प्रधानमंत्री से इन मामलों पर संसद में चर्चा करवाने का अनुरोध किया, मगर अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उल्टे हमला करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी एजेंडा के बारे में पूछकर संसद के कामकाज का राजनीतिकरण कर रही है और यहां तक कहा है कि ये सब कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी संसद के कामकाज का राजनीतिकरण हो रहा है। इसके साथ ही जोशी ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान ही सोनिया गांधी द्वारा उठाए गए तमाम मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, सोनिया गांधी ने कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा की मांग की है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके जाके देख लीजिए और अपने दिमाग पर जोर जोर से ठोक कर याद दिलाइए कि क्या उन मुद्दों पर कोई चर्चा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई थी और यदि हुई थी तो सरकार ने किस तरीके का जवाब दिया भी कि नहीं दिया, और यदि जवाब दे भी दिया तो फिर क्या दोबारा उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए जो मुद्दे ज्वलंत हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा तो एजेंडा की घोषणा कर दी जाएगी। जोशी ने यहां तक कह दिया कि कभी भी एजेंडा पहले से नहीं बताया जाता है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि सरकार देश को कितना गुमराह करेगी, विशेष सत्र या बैठक के प्रत्येक अवसर पर एजेंडा पहले से ही मालूम होता है, ये केवल मोदी सरकार है जो नियमित रूप से संसद का अपमान कर रही है और संसदीय परंपराओं को विकृत करती है। आपके सहित पिछली सरकारों ने संविधान दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन और ऐसे अन्य अवसरों को मनाने के लिए कई विशेष बैठकें बुलाई।
सुनाई है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने लंबी चौड़ी लिस्ट सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर दिया और याद दिलाया कि देखिए कितनी बार विशेष सत्र बुलाया गया और एजेंडा पहले से निर्धारित था और सबको बताया गया। वहीं लोग अब यह भी चर्चा करने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने अपना एजेंडा निर्धारित करने से पहले ही विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दी और अभी तक एजेंडा कन्फर्म नहीं हो पाया है। विशेष सत्र बुलाकर खाली हवा बनानी थी ताकि लोग गौतम अडानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से चर्चा कम कर दें। वहीं एक सवाल और उठने लगा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सोनिया गांधी राजनीति कर रही हैं। आप सोचने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी मास्टराइन होती तो पढ़ाती, डॉक्टराइन होती तो इलाज करती, लेकिन वो नेताइन है तो राजनीति नहीं करेंगी। राजनीति करना उनका काम है और यदि जनता के असल मुद्दों पर कोई सवाल कर रहा है तो यह राजनीति है। और प्रधानमंत्री जब मणिपुर के मामले पर दुख जताते हुए राजनीति खेल जाते हैं तब आपको वो मास्टर स्ट्रोक दिखता है। गजब का विश्वगुरु है भाई। वह भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा की एकता और मोहब्बत की ओर करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की बुनियाद बने हैं। यात्रा जारी है नफरत मिटने तक, भारत जोड़ने तक, ये वादा है मेरा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें बारी बारी से पहले तमिलनाडु, फिर केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और जम्मू कश्मीर, यानी कि जिन जिन राज्यों से यात्रा गुजरी थी हर जगह के छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को जोड़कर अपनी यात्रा की यादों को एक बार फिर से जनता के सामने रखा गया है और अलग अलग राज्यों की अलग अलग प्रमुख भाषाओं में इसमें गीत भी शामिल किए गए हैं। और इसे शेयर करते हुए वादा किया गया है कि जब तक नफरत मिट नहीं जाएगी, भारत जुड़ नहीं जाएगा, ये यात्रा जारी रहेगी। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कांग्रेस का वीडियो यूज करने पर भी स्ट्राइक आ जाती है। अब कांग्रेस वाले स्ट्राइक नहीं भेजते हैं, कोई और भेजता है, कौन भेजता है यह हमें नहीं पता। अगले महीने 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। यात्रा के प्रथम चरण के बाद कर्नाटक और हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया उससे अब चर्चा होने लगी है कि यात्रा पार्ट 2 कहीं ऐसा न हो कि आगामी विधानसभा के कई चुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए। और अब तक के संकेत भी लगभग ऐसे ही दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीजेपी में भयंकर भगदड़ मची हुई है। लगातार बीजेपी के सिटिंग विधायक, पूर्व मंत्री और तमाम बड़े बड़े नेता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। शायद इन सब को अंदाजा हो चुका है कि हवा किसकी है। हवा किसकी है से याद आया, विधानसभा चुनाव 2022 में हमने आपको कार्यक्रम दिखाया था हवा किसकी है और जनता की राय आप तक पहुंचाई थी। आप सबने उसे खूब पसंद किया। बहुत जल्द हम एक बार फिर से उस कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं। इस बार हमारे अलावा कुछ और लोग भी देखने को मिलेंगे। उधर मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी को लीड कैंपेनर बना दिया गया है और बताया जा रहा है कि 40 से अधिक रैलियां और सभाएं मध्य प्रदेश में प्रियंका करेंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान राहुल गांधी के जिम्मे सौंपा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगभग हर दूसरे दिन मध्य प्रदेश में ही रहेंगी। मध्य प्रदेश में स्वराज सरकार के खिलाफ 50% कमीशन और मामाटो जैसे स्लोगन भी प्रियंका के ऑफिस में ही बने हैं। उधर बीजेपी भी लगातार इस प्रयास में है कि किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में चुनाव जीता जाए, मगर जमीनी हालात इस बार कुछ अलग है। हालांकि मध्य प्रदेश में जमीनी हालात पिछली बार भी अलग थे, परिणाम भी अलग था। वहां की जनता ने कांग्रेस को चुना था लेकिन बीजेपी के 3-5-18 वाले खेल के आगे कांग्रेस हार गई। माफ करिएगा, कांग्रेस नहीं, मध्य प्रदेश की जनता हार गई और लोकतंत्र हार गया। बाकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार के चुनाव को लेकर कितने परेशान हैं, कितने चिंतित हैं, ये समझने के लिए उनका रक्षाबंधन से पहले वाला रैंप वॉक देखना ही बहुत होगा, जिसमें वो कुछ मिनट के भीतर ही दसियों बार मेरी बहना करते हुए नजर आ रहे हैं। 250 रुपए देते हुए इस कदर ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रक्षाबंधन धूमधाम से मनाओ, मानो 250 रुपए में महिलाएं पता नहीं क्या क्या खरीद लेंगी। वहीं लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब अन्य राजनीतिक दल जनता को कुछ देते हैं तो उसे प्रधानमंत्री मुफ्त की रेवड़ी का नाम देते हैं, लेकिन जब बीजेपी की सरकारें वही काम करती हैं तो फिर सन्नाटा क्यों मार लिया जाता है भाई। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए